था बाहर, और कोने में वहाँ पे डीजे था और मेन स्टेज यहाँ पे था। बट पता नहीं कैसे होगा, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे मैनेज होगा। अभी लगे तो हैं सफाई करने में, यहाँ पे मैट वगैरह डालने में, तो अगर वो हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर क्योंकि गैदरिंग भी काफ़ी ज़्यादा आने वाली, क्योंकि काफ़ी सारे चर्च के जो मेंबर्स हैं यहाँ पर आएंगे आज, क्योंकि उस दिन तो फैमिली का था, ज़्यादा लोग नहीं थे, बट आज तो पूरी पुलिसें हमारी आने वाली हैं यहाँ पे, और गेस्ट भी आने वाले हैं। तो कैसे आएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, पता नहीं यार। मेरे को भी क्लास लेने भी जाना है थोड़ा सा, क्योंकि ऑफ़ नहीं ले सकता, 2 दिन का वैसे ही मैंने ऑफ़ लिया था, तो तबीयत ठीक भी नहीं है। तो चलो ठीक है, क्लास लेने चलते हैं और उसके बाद फिर रेडी होके यहाँ पर आएंगे। सो गाइस मैं निकल जाऊँ घर से अपने कपड़े ले करके, और मेरे कपड़े रखे यहाँ पे हैं, और मैं बैठा हुआ मैं डॉक्टर की शॉप पर, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं आया था मेडिसिन लेने के लिए। तो मेडिसिन वगैरह तो ले लिया मैंने, बट बारिश इतनी तेज़ हो रही ना, बाहर जा नहीं सकते, बहुत तेज़ बारिश है। आपको आवाज़ आ रहा होगा, बहुत तेज़ बारिश है। तो अब मैं ना घर पे हूँ ना पार्टी में हूँ, और मैं बस फंस गया हूँ डॉक्टर की शॉप पर। वही डॉक्टर ठीक है ना, यहाँ से अभी आया। चलो वेट करते हैं, और जब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल होगा तभी निकलेंगे। भीगना मैं चाहता नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरी तबीयत खराब है। प्लीज़ टीम का डॉक्यूमेंट बना दो। ये पास आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। आपके बेटे शाहरुख बेंजामिन के जीवन में प्रभु आपके मनीषा को उसकी संगनी के रूप में जोड़ा है, और प्रभु मनीषा के जीवन में आपके जीवन साथी Hey!